We give our pledge. We give our pledge. As eco gods. As eco gods. To save our natural resources. To save our natural resources. आपका ये सफर जो है वो शुरू हो गया है जो एडवेंचर फाउंडेशन ने बड़ी सोच समझ के आपके लिए तैयार किया है। बच्चों को ये बताना है कि वो कंजर्वेशन ये होता है कि जो भी आपका पहाड़ है हमारा या कोई भी इलाका है उसकी कंजर्वेशन का मतलब ये लेक्चर्स भी लिए थे तो उन लेक्चर्स में हमने सुना था कि काफ़ी ज़्यादा हमें एनिमल्स मिलेंगे, डिफरेंट टाइप्स के ट्रीज़ मिलेंगे, तो उनको देखने के लिए काफ़ी एक्साइटेड हूँ। नानक चाचू ने कहा कि यहाँ पर एडवेंचर लर्निंग करने का है, स्टडी के हवाले से माउंटेन ट्रेकिंग वगैरह कराते हैं, तो हमें भी शौक था आने का। थिंक आई एम मोर इनटू लाइक इको, आई वांट टू डिस्कवर मोर अबाउट प्लांट्स, मोर अबाउट एनिमल्स, सो आई रियली थॉट दैट दिस वुड बी अ वेरी नाइस चांस टू टेक इन। बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत कुछ सीखने को भी मिलने वाला है, और जहाँ तक बताया जा रहा है और जहाँ तक मैंने पिछले जो लोग पहले आए हुए हैं उनके मैंने रिव्यू सुने हैं कि आप यहाँ पे यहाँ से जाके एक टोटली चेंज पर्सन होंगे। यहाँ कोई खतरा नहीं है। उठ जाओ, वेक अप। चेंज, 1, 2, 3, 4। चीज़ों के बारे में बहुत इंटरेस्ट है, नेचर के बारे में पढ़ने का, और जब मैं यहाँ आई तो मुझे बहुत अच्छा फील हुआ कि न्यू टीचर्स और न्यू फ्रेंड्स और सब कुछ न्यू था। ये पत्ता मैं आगे जाके दिखाऊंगी, ये अमीर लोग हैं, फल है।
किसी ने मूव भी नहीं करना, पांवों की आवाज भी नहीं होगी और हाँ अपनी सराउंडिंग को सिर्फ सुनोगे। हम बैठे हुए थे आंखें बंद करके, हमने एनवायरनमेंट की आवाज़ें सुने और काउंट किए कितनी सुनते हैं कंप्लीट साइलेंस में, बर्ड्स, बीज, द साउंड ऑफ द विंड, थिंग्स लाइक दैट। वी अप्रिशिएटेड नेचर। और फिर डॉक्टर किश्वर और मैम हुमा ने भी हमको चीज़ें सिखाएं। हमारे शहर शिदादपुर के अंदर मतलब उधर बहुत सी गर्मी, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। गर्मी के मुराद मतलब बहुत हवा नहीं चलती मतलब उधर, और यहाँ पर आए तो इधर तो सारी जगह हवा है, ठंड है, मौसम इतना प्यारा है इधर का, और ट्रीज हैं, पहाड़ है, माउंटेन है इधर, बहुत मज़ा आया हमें इधर। पानी को कंजर्व करना है और अच्छे तरीके से यूज़ करना है, और साथ में फॉरेस्ट की और पहाड़ों की कंजर्वेशन करनी है, और पहाड़ों को जो है साफ़ रखना है क्योंकि पहाड़ से ही पानी वगैरह आता है। दरख्तों के बारे में भी सीखा, पानी के बारे में भी सीखा और चीज़ों के बारे में बहुत सीखा हम लोगों ने। मज़ा मज़ा क्या चीज़ है। Wow, beautiful kitchen. मैंने बताया क्या करेंगे, उन्होंने कहा खेलेंगे, कूदेंगे और बहुत सारे जंगलात में जाना है। हम ट्रैकिंग्स पर चले गए हैं और बहुत सारे जगहों में घूमने के लिए गए, और सर ने हमें बहुत से लेक्चर दिए हैं, उन्होंने बहुत मज़ा आया और हमारी नॉलेज में इजाफा हो गया है, बहुत इजाफा हो गया है। और फॉरेस्ट और पानी, इन दोनों टॉपिक्स के ऊपर सर ने तो लेक्चर दिए थे कि पानी को सिर्फ यूज़ करना है, ज़ाय नहीं करना है, और फॉरेस्ट के ऊपर भी ऐसा ही। एक इंसान के लिए चार ट्री होना ज़रूरी है, तो उन्होंने बोला कि मतलब जब तक आप जिंदा हो तो चार ट्री कम से कम लगा लो। और सबसे मेन दरख्त ना हो, या ये भी है कि डैम्स सिल्ट से बहुत एक इम्पोर्टेंट काम भी कर रही है। और क्या आज हमने प्लांटिंग की एक्टिविटी किया और हम लोगों ने प्लांट्स लगाए हैं जाके, ताकि हमारी एनवायरनमेंट बेहतर हो पहले से, और जो हमारी पोल्यूशन वगैरह और जो हम लोगों ने ट्रीज काट के जो हमने गलती किया उनको बेहतर किया जाए।
हमने ट्री प्लांटिंग की थी, मैंने भी एक दरख्त लगाया, तो अल्हम्दुलिल्लाह जन्नत में एक घर तो बन ही गया ना। हमने ट्री प्लांटेशन की, हमने भी एक स्कूल भी विजिट किया। वो देंगे ये कंप्रेशन, इनका मुंह खोलेंगे अपने आप, जो आपके साथ कोई पर्सन है all, we must identify what is scarce. Remember, every drop counts. छूने वो रास्ता।